Hello students, welcome back to your computer class. I am again here with some important topic from your computer syllabus. Students, in our previous class, we just started our chapter number 4, working with Windows 7. So, in order to proceed with our chapter, today we are going to discuss about the desktop of our computer. Okay, so let us start today's topic. So students, in our today's class, we are going to discuss about the desktop of a computer. And after that, we will also discuss about the use of desktop in our daily life. So the first question arises here in our mind that what is desktop? So desktop is a computer screen on which you can see symbols such as icons, showing the program, etc. that are available to be used for us, okay? तो डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर की वो स्क्रीन होती है जहाँ पर तरह तरह के सिंबल जैसे कि आइकन्स मौजूद होते हैं इसके प्रोग्राम्स को शो करने के लिए, जो कि हमारे यूज के लिए भी अवेलेबल होते हैं. एज यू नो, डेस्कटॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेस्क एंड टॉप. सो इन अदर हैंड वी कैन ऑल्सो से द वर्ड डेस्कटॉप इज डिराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, द टॉप ऑफ आवर वर्किंग स्टडी टेबल, वेयर we may find pen stand, notepad, calculators, files, etc. तो desktop जो है वो दो words का combination है, desk and top, जो कि हमारी real life से भी match करता है. Because जो हमारी working table होती है, जो हमारी study table होती है, उसके top को भी हम क्या कहते हैं? Desktop कहते हैं, जहाँ पर हमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर कोई भी चीज़ जैसे pen stand, files, calculator, pens, etc. मौजूद होती है. So the desktop of Windows also serves the same purpose. तो इसी तरह से जो Windows की कंप्यूटर की हमारी डेस्कटॉप होती है वो भी यही हमें उपलब्ध कराती है, यही चीज़ों के लिए होती है. We can find various icons like objects. हम कंप्यूटर के विंडोज के डेस्कटॉप पे तरह तरह के आइकन्स, शॉर्टकट आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन्स, डिस्क ड्राइव, ये सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर मिल सकती हैं. ओके, सो आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स. आइकन्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट फाइल्स. जो हमारे कंप्यूटर पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं, फोल्डर्स रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कई सारे आइटम्स हमारे डेस्कटॉप पर आइकन्स के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? दिखाए जाते हैं. ओके, यू विल फाइंड द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. देखिए, जो हमारी डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होती है वहाँ बॉटम में हमें क्या टास्क बार मिलता है? दैट डिस्प्लेज द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड. जिसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है. द प्रोग्राम्स दैट यू हैव ओपन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बटन ऑन इट. और जो हमारा कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो हमारा बटन एज अ बटन यहाँ पर शो होता है. ओके, द प्रोग्राम्स दैट यू हैव ओपन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बटन ऑन इट. इट होल्ड्स द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड. और इसके राइट साइड में क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया होता है विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड सम आइकन्स, जो कि क्लॉक्स और कुछ आइकन्स के साथ दिया गया होता है. ओके, दीज आइकन्स रिप्रेजेंट द प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन रोम एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप. तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कंप्यूटर के स्टार्टअप के समय ही उसमें लोड किए जाते हैं. ओके, The icons play a very important role in graphical user interface. जो हमारे icons होते हैं वो बहुत ही important role play करते हैं user और computer के बीच के समन्वय को बनाने के लिए. As you all know students, the icons play a very important role in graphical user interface. Okay, so here we have some commonly used icons. Let us discuss these icons in detail. Okay, so our first icon is computer, which you can see on the left side of your desktop. So computer icon gives you a view of available drives. Computer icon जो होता है वो हमें क्या चीज़ दिखाता है, क्या चीज़ दर्शाता है? जो भी हमारे drives हैं computer icon में और उनके contents जो store हैं computer system में, startup के समय जो भी content, जो भी drive उसमें store की गई है वो हमें computer icon के जरिए दिख सकती है. Double clicking on a drive icon will display the folders contained in that drive. तो जब हम computer icon पर double click करेंगे तो जो भी इसके folders या contained items जो भी इसके होंगे वो हमें आसानी से दिख सकेंगे. Next one is application icons.
These are the graphical images that give a quick access to the related application. एप्लीकेशन आइकन्स क्या होते हैं, ये किसी भी रिलेटेड एप्लीकेशन का एक छोटा प्रारूप होता है जो कि इमेज के रूप में हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पर लेफ्ट साइड में आइकन के रूप में दर्शाया जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी रिलेटेड इसके एप्लीकेशन होते हैं वो हमें तुरंत ओपन होकर मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज नेटवर्क। Allow you to access the shared files or devices on different computers in a network environment. Network environment में जो भी files या devices share किए गए हैं network icon की help से हम direct उन तक पहुँच सकते हैं। Okay? Our next icon is shortcut icons. A shortcut is an icon containing a direct view to a specific application, document or folder etc. तो शॉर्टकट आइकन हम कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फोल्डर पर पहुंचने के लिए, डायरेक्ट पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट आइकन का यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर हमें डायरेक्ट पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट आइकन्स। द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन। क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी कोई भी एक्टिव विंडो होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करके दूसरा कोई विंडो ओपन कर सकते हैं। विच गेट्स प्लेस्ड ऑन द टास्क बार, और वो जो हमारी मिनिमाइज की हुई विंडो होती है वो हमारे नीचे टास्क बार पर शो होती है। यू कैन रिस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन। अब हम जो पहले की हमारी जो विंडो थी, जो पहले का हमारा डॉक्यूमेंट था, हम उसको टास्क बार पे आई हुई मिनिमाइज्ड विंडो पर क्लिक करके दोबारा हम वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल बिन। सो स्टूडेंट्स, इट वर्क्स लाइक अ ट्रैश बिन सच एज डस्टबिन यूज्ड फॉर थ्रोइंग अनवांटेड पेपर्स। रिसाइकल बिन हमारे जो घरों में यूज होती है डस्टबिन, उसी की तरह इसको भी हम कंप्यूटर पर यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में डस्टबिन का यूज अनवांटेड पेपर्स को थ्रो करने के लिए होता है, वैसे रिसाइकल बिन कंप्यूटर में अनवांटेड चीज़ों को थ्रो करने के लिए होती है और डिलीट करने के लिए। जो भी हम चीज़ें डिलीट करते हैं अपनी, वो कहाँ जाती है, हमारी रिसाइकल बिन में जाती है। दीज पेपर्स कैन बी टेकन आउट इफ नीडेड, और जब हम डस्टबिन में कोई चीज़ थ्रो करते हैं और वापस जरूरत पड़ने पर हम उसको उसमें से निकाल सकते हैं। रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह रिसाइकल बिन क्या है, एक ऐसा फोल्डर है कंप्यूटर पे जो डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। अंटिल इट इज एम्प्टीड, जबकि वो एम्प्टीड होता है, खाली होता है, वी कैन टेक बैक द डिलीटेड फाइल्स। हम क्या कर सकते हैं, डिलीटेड फाइल्स को वापस ला सकते हैं एंड रीस्टोर देम टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस, और फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसको उनकी ओरिजिनल लोकेशंस पर रीस्टोर कर सकते हैं। सो रिसाइकल बिन का यही काम होता है कि अगर कोई चीज डिलीट होकर रिसाइकल बिन में गई है तो वापस वो रिस्टोर की जा सकती है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक वेरी वेल, एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड बाय मी इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके।